क्वेश्चन ये है कि एक दूसरे के साथ घर में रहने से जिस तरह मियां बीवी हैं, जिस तरह बीवी बच्चे हैं, जिस तरह आपके दादा दादी हैं, तो इसमें ये जो लोग आपस में मिलकर रहते हैं, क्या इनके आपस में रहने की वजह से अगर एक बंदे को एलर्जी है वो दूसरे आदमी को अफेक्ट कर सकती है? इसमें है जवाब नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी ये हमारे घरों में बड़ा कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं और बाज का तो वो बताते हैं जी हमारे फलां दादा या दादी को या बच्चे को एलर्जी है तो हमने उसके बर्तन बिल्कुल अलहदा कर दिए हैं, तो ये उन्होंने गलत किया है। ये बात याद रखें कि ये जो एलर्जी है ये छूत छात की बीमारी नहीं है, कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है, जिस तरह कोरोना था, जिस तरह टीबी है फॉर एग्जाम्पल, उसमें तो रीजनेबल है, लेकिन इसमें रीजनेबल नहीं है। उसमें भी किसी हद तक ये होता है सांस के जरिए होती है, अगर टीबी है वो भी कोई बर्तन के जरिए से नहीं होती। तो अब इसमें ये है कि इसमें होता क्या है, इसमें ये बेसिकली जेनेटिक्स की वजह से हो सकती है एलर्जी। फॉर एग्जाम्पल किसी के दादा को एलर्जी थी, अगर वालिद को नहीं हुई तो अगर दूसरी नस्ल में हो सकती है कि उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो वल्नरेबल होते हैं एलर्जी से, या उनका जो इम्यून सिस्टम वो एक्सेप्टेबल होता है एलर्जी को लेने के लिए, या एलर्जन खास किस्म की अगर एलर्जी है तो खास किस्म का एलर्जन उनको एलर्जी कर सकता है जेनेटिकली, स्पेशली जब इस तरह का एनवायरमेंट उसमें है जिसमें वो एलर्जन मौजूद हैं। लेकिन ये बात आप याद रखें और ये 100% प्रूवन चीज है कि अगर आप इकट्ठे खाना खा रहे हैं या आप एक कमरे में बैठे हैं तो उसकी वजह से आपको एलर्जी नहीं होगी और इसे आप एक दूसरे का बायकॉट ना करें। हाँ, उसमें अगर किसी को एलर्जी हो गई है तो उसका एक प्रॉपर इलाज है। उसमें सबसे पहले हम मेडिसिन से इलाज करते हैं, आपकी अलामतें ठीक करते हैं। अगर मुश्किल इलाज की बात की जाए तो वो इसके लिए एलर्जी की वैक्सीन होता है, जो कि इस्लामाबाद वाली एलर्जी की वैक्सीन आप जानते होंगे, वो वैक्सीन अब हमारे पास पंजाब में अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ सेंटर्स पे नीचे नाम शो रहा है, नंबर शो रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट करें स्टाफ को, वो आपको गाइड करेंगे। उसका तरीका ये होगा, सबसे पहले हम उसको टेस्ट करते हैं कि किस खास चीज से आपको एलर्जी है। अगर कोई चीज एलर्जी की मिल जाए, खास ट्रिगर फैक्टर मिल जाए, एलर्जन मिल जाए, तो उसकी फिर वैक्सीन कर दी जाती है, और वैक्सीन एलर्जी का एक मुश्किल इलाज होता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का अमीन असर। अल्लाह हाफिज़।